राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्री हरि 4 महीने के लिए क्यों सहन करते हैं, क्या है इसकी पौराणिक कथा, और एकादशी जिसको देवशयनी एकादशी कहते हैं, जिससे भगवान सहन के लिए जाते हैं 4 महीने के लिए, सभी मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, तो देवशयनी व्रत की क्या कथा है, इस व्रत को करने से किन फलों की प्राप्ति होती है, आज इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। बंधुओं, सबसे पहले बात करते हैं कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सहन क्यों करते हैं। ग्रंथों में एक कथा मिलती है कि भगवान श्री हरि और शंखासुर नाम के राक्षस का हजारों वर्ष युद्ध चला और श्री हरि ने शंखासुर नाम के राक्षस को इस युद्ध के अंत में मार दिया। देवताओं के कहने पर भगवान श्री हरि ने योग निद्रा ली। देवताओं ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि इतने वर्ष ये युद्ध चला, आप थक गए होंगे, तो कुछ समय के लिए आप विश्राम कर लीजिए। अपने भक्तों की इच्छा पर भगवान श्री हरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। ये पौराणिक कथा शास्त्रों में मिलती है। इसके साथ ही एक कथा और मिलती है, वो है भगवान के वामन स्वरूप की। जब भगवान श्री हरि ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग में पूरा राजपाट अपने लिए ले लिया, उसके बाद उन्होंने राजा बलि से कहा कि आपको जो वरदान मांगना है वो वरदान मांग लीजिए। तब राजा बलि ने भगवान की हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की कि मुझे हर वक्त आपका दर्शन होता रहे, ऐसा वरदान मुझे आप दीजिए। भगवान मुस्कुराए, बोले तुमने जो मांगा है वो अवश्य पूरा होगा। भगवान ने वरदान दिया, इसलिए भगवान को उनके धाम में पाताल लोक में जाकर के निवास करना पड़ा। माता लक्ष्मी को जब ये बात पता लगी, तब माता लक्ष्मी ने बलि को भाई बनाया और भगवान को वापस वैकुंठ लोक लेकर के गई। रक्षाबंधन का पर्व राजा बलि और माँ लक्ष्मी की इस कथा से भी जुड़ा हुआ है। अब भगवान ने राजा बलि को ये वरदान दिया था कि हर पल मेरा दर्शन आपको होगा। तब भगवान ने ये सेवा ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों में बांटी। तो देवशयनी से लेकर के देवोत्थापन एकादशी तक भगवान बलि के दरबार में रहते हैं। उसके बाद महाशिवरात्रि तक, जो फाल्गुन मास में आती है, उस महाशिवरात्रि तक भगवान शिव राजा बलि के दरबार में रहते हैं। और महाशिवरात्रि से लेकर के देवशयनी एकादशी तक ब्रह्मा जी राजा बलि के दरबार में रहते हैं। तो ये दूसरी कथा शास्त्रों में भगवान के योग निद्रा में रहने की आती है। अब बात करते हैं देवशयनी एकादशी की क्या कथा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महात्म है, इसको करने से किन फलों की प्राप्ति होती है। तब भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा कि मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ जो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई थी। ऐसा ही एक प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सतयुग में मांधाता नाम के एक बहुत धर्मप्रिय राजा हुआ करते थे, बहुत भक्तिभाव था, पूरे राज्य में बहुत आनंद का वातावरण था, लेकिन एक बार उनके राज्य में बहुत भीषण अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। मांधाता जी बहुत परेशान हो गए। वो इसी प्रश्न की खोज में कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, मुझसे क्या अपराध बना,
वो जंगल की ओर चल दिए। तभी वहाँ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के साथ उनकी भेंट वार्ता हुई। अंगिरा ऋषि को राजा मानधाता ने अपने यहाँ अकाल की बात बताई। तब अंगिरा ऋषि ने कहा कि आप एकादशी व्रत का अनुष्ठान लीजिए। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, इस दिन आप अपने अनुष्ठान को विधिपूर्वक पूर्ण कीजिए तो आपके राज्य से ये अकाल जैसा दुर्भिक्ष समाप्त हो जाएगा, फिर से आपके राज्य में आनंद का वातावरण होगा। तब राजा मानधाता ने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत विधि विधान के साथ किया। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की, ऋषियों की पूजा की, बहुत सारा दान लोगों को दिया, गरीबों को दिया। इस व्रत को करने के बाद उनके राज्य में पुनः बारिश हुई, सभी तरह के संकट समाप्त हो गए। तो ये देवशयनी एकादशी की कथा शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्रों के मुताबिक जो लोग देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से उनके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। वो साधक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पा लेता है। दैहिक, दैविक और भौतिक सभी सुखों का भोग करता हुआ अंत समय पर भगवान लक्ष्मी नारायण के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करता है, यानी कि उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये देवशयनी एकादशी का महत्व है। इसलिए हम सभी सनातन धर्म के अनुयायियों को एकादशी का व्रत अवश्य रहना चाहिए। एकादशी का व्रत परम कल्याणकारी व्रत है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आप सभी ने ये कथा सुनी, आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष और धर्म से संबंधित यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम धर्मानुसार उसका जवाब अवश्य देंगे। हम इसी तरह की जानकारी आपके लिए लेकर के उपस्थित होते रहेंगे चैनल पर। आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए। राधे राधे।